कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको बताता हूँ एडसेंस में अपना बैंक ऐड कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी का स्टेटस आप ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है सेटअप इन प्रोग्रेस। तो अभी हम चलते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। अभी मैंने लॉगिन किया हुआ था, आप लॉगिन कर लीजिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश हो गया है। अभी हम डायरेक्ट चले जाएंगे पेमेंट सेक्शन में। तो मैंने कुछ अपनी डिटेल्स हाइड की हुई हैं, तो आपको यहाँ देखना है जो लिखा है ना ऐड पेमेंट मेथड, इसमें जाना है। उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको एक एक करके सारा फिल कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। पहले बैंक आईडी होगा, बैंक नेम होगा, आईएसबी कोड होगा, शिफ्ट वीआईसी, इसमें दिक्कत होता थोड़ा सा, आपको अभी दिखा दूंगा मैं कहाँ से देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने जो किया था मेरा भी थोड़ा सा हुआ था। चलिए अभी ऐड करना शुरू करते हैं। ये ऑप्शनल है, इसमें अगर हो आपके पास तो डाल देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, बैंक नेम देना है, आईएसबी देना है, शिफ्ट कोड मैं आपको बता दूँ कहाँ से मिलता है ये देना है। तो ये ऐसा इसमें इंटरफेस होगा, आप इसको फिल कर लेते कर लेना और मैं तब तक अपना फिल करता हूँ। ऑप्शनल दोस्तों वही होता है कि यूज़ करो या ना करो, एक ही बात होता है, कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन दिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, बैंक का नाम डालता हूँ, आईएसबी कोड, ये सब डाल देता हूँ। ये सिप कोड का जो बात बताया था ना आपको, तो सिप कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको अगर पासबुक पे नहीं लिखा हुआ है या आपको नहीं मिल रहा है तो आप परेशान ना होना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा ये कोड, ठीक है। अभी आपका ना जहाँ का भी बैंक एड्रेस हो उसको एक बार यहाँ पे ना सेलेक्ट कर देना। ये वेबसाइट है, तो मैंने थोड़ा आपको देख करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस डाला था देख करके। तो ये मेरा कोड है यहाँ पे, तो मैं इसको सिप कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अपना भी आप ऐसे देख लेना, क्योंकि बहुत ईजी होता है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है ये कोड, और ये कोड उसके लिए यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये मेरा एड्रेस था बैंक का, तो मैंने ऐसा एड्रेस डाला और नीचे निकल के आ जाता है, ठीक है। आप भी ट्राई ऐसे कर लेना। तो फिर चलते हैं हम एडसेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे हम डिटेल आपका अपना फिल कर रहे हैं बैंक का, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल इसलिए हाइड किया हुआ कि थोड़ा पर्सनल था इसके लिए। तो नीचे आपको राइट क्लिक करने के लिए बोलेगा, उसको राइट क्लिक कर देना और सेव कर देना। तो अभी आगे का इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा। वो देखो मेरा बैंक ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आपका बैंक शो करेगा। अभी हम होम चलते हैं। एक एक चीज आपको बता देता हूँ यूज में आता है कि नहीं आता है। ये साइट्स का कुछ ऐसा होता है, अगर आपके पास वेबसाइट बना हुआ है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती। पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो अभी मैं फिर से थोड़ा हाइड कर देता हूँ अपना। देखिए यहाँ पे पेमेंट का जो डिटेल्स है मेरा ऐड हो चुका है, बैंक भी दिखा रहा है, मेरा नाम भी दिखा रहा है आपको, जो पहले जबकि नहीं था अभी हो चुका। अभी बस हम सिंपल इसका क्या करेंगे, इसका हम फाइनल चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें हम जाएंगे वेरिफिकेशन चेक में जाएंगे, अगर यहाँ पे ऐड हो गया तो पूरा दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये एरेंटी वेरिफिकेशन जो पहले आता है पिन आने के पहले, और जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, ये दोनों तभी आते हैं। अभी का ये फाइनल हो गया है बैंक का और मेरे दोनों। अभी मैं चलता हूँ उसका, ये मेरा कुछ डिटेल है, आप ये पर्सनल आईडी होता है जो एडसन का होता है पुलिसर का। आपके पास अगर वेबसाइट है तो खुद का आप इससे लिंक कर सकते हैं,
और एड्स के लिए जैसे यहाँ से आप उसका लिंक डालोगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे बस जरूरत नहीं पड़ता अगर यूट्यूब के लिए खाली यूज़ कर रहे हैं तो। अब चलते हैं यूट्यूब चैनल पर, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जो आपको सेटअप इन प्रोग्रेस दिखा रहा था, अब उसका देखते हैं स्टेटस क्या है। देखो दोस्तों सेटअप कंप्लीट। तो दोस्तों ये वाला सेटअप तो हो चुका है कंप्लीट, मेरा एडसेंस अकाउंट में मेरा बैंक ऐड हो चुका है। आप इस तरह का स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देखकर करोगे तो होपली आपका भी हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो टेक्निकल से रिलेटेड लाते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।